डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एकदम अब तक जो मैं बताया हूँ उससे 100% एकदम से हट के है। एकदम नई चीज़ आप पढ़ेंगे, एकदम नई चीज़ पढ़ेंगे और मन खुश हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना। इसकी ट्रिक इतनी आसान है कि आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ये ट्रिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बस इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, 100% आपको इसकी ट्रिक याद रहेगी, याद करना नहीं पड़ेगा, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और हाँ, जो दर्शक नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, वे लोग तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अगर इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, आते हैं अपने सवाल पर। देखिए, यदि a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस c माइनस थ्री का होल स्क्वायर, c माइनस वन है, c माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो आपको बताना है 2a माइनस थ्री बी प्लस 7c का मान बताना है। ठीक है, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। बस आप समझिएगा, जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक आप समझ लीजिए, आपके लिए एकदम खाद हो जाएगा खाद। 12, 3, 11 और 1। देखिए बेटा कैसे करेंगे, इसको देखिए समझिए अच्छे से। मैं हर बार कहता हूँ कि अंतिम तक देखना, अंतिम तक देखने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता कि ये सवाल आप कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप करेंगे हो सकता है कि उससे अलग तरीके से मैं करूं। जब मैं उस सवाल को करूंगा अपने तरीके से तो दोनों लोगों के तरीकों में अंतर होगा, हो सकता है आप वाले में ज़्यादा टाइम लगे और मेरे वाले में बहुत ही कम टाइम लगे। तो इस नाते मैं बोलता हूं कि बेटा अंतिम तक ज़रूर देखना, समझे। चलो इसको देखो, जब भैया इस तरीके से 3 बार प्लस में दिया हो, 4 बार प्लस में दिया हो, 2 बार प्लस में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपको इसका होल स्क्वायर ओपन ही नहीं करना है, होल स्क्वायर ओपन ही नहीं करना है और बराबर जीरो जरूर दिया हो। क्या करना है तुमको, अगर यहाँ माइनस है तो a का वैल्यू प्लस वन समझ लेना है, b का वैल्यू प्लस टू समझ लेना है, c का वैल्यू प्लस वन समझ लेना है। अगर यहाँ अंदर माइनस रहता तो इसका वैल्यू हम माइनस वन समझते, ये चिन्ह प्लस, मतलब जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा रहेगा वैल्यू वाला चिन्ह। यहाँ माइनस है तो प्लस वन, माइनस है तो प्लस टू, माइनस है तो प्लस वन। अगर प्लस अगर ये प्लस रहता तो माइनस वन, प्लस रहता तो माइनस टू, प्लस रहता तो माइनस वन, समझ गए। आ जाओ तुम यहाँ पर जहाँ पर तुम्हें मान निकालना है, 2 गुड़े a 2 गुड़े 1 दो हो गया, माइनस 3 गुड़े b मतलब 3 गुड़े 2 तीन दूना 6 हो गया, प्लस 7 गुड़े c यानी 7 गुड़े 1 7 एकम 7 हो गया। तो 7 और 2 9 और 9 में से 6 घट गया 3 आ गया, तो ये आपका आंसर सही है, सही है, सही है, बिल्कुल एकदम 100% सही है, एकदम 100% सही है भैया, कसम से बता रहे हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, बच्चा जो इसको कभी सॉल्व नहीं किया होगा वो इसे देख करके बहुत तरह तरह से सोचा होगा, लेकिन 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 ये वाली ट्रिक जान जाने के बाद अब आपका सोचना विचारना समाप्त, क्योंकि अब आप जान गए ये वाली ट्रिक याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे यहाँ से मान निकल जाएगा। अभी और भी तरह तरह के सवाल आपको मिलेंगे, उसके आधार पर आप तरह तरह की चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b माइनस एट का होल स्क्वायर, a माइनस वन का होल स्क्वायर b माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 27 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, क्लियर। तो बता दो मेरे भाई, a b c की कर्ली घात 3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन 6, 10, 15, 24 6, 10, 15, 24, क्लियर।
तो जरा आप अपनी ट्रिक लगाइए, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप बताइए और सोचिए कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने आपसे क्या बोला था, स्क्वायर स्क्वायर से डरना मना है। सीधे ए की वैल्यू प्लस वन, बी की वैल्यू प्लस एट, सी की वैल्यू प्लस 27 यहाँ पर रख लीजिए। ए की वैल्यू वन, दो की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 27 और यहाँ खड़ी घात 3। ठीक है, ये है 1 इंटू, ये है 2 इंटू, ये है 3 और इसका होल क्यूब, ये 1 का होल क्यूब 1, 2 का होल क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब इसके ऊपर कितनी घात, इसके ऊपर ये करड़ी वाली घात 1/3। तो अब 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1 और 1 का इधर गुणा होगा तो उतना ही रह जाएगा, तो 3 × 2 = 6। तो ये वाला ऑप्शन सही है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा दिख रहा है? नहीं यार, थोड़ा ज़्यादा है, स्क्रीन वाइट वाइट है। साफ तो दिख रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन आप मुझे बताइएगा कमेंट में साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं तो फिर वाइटनेस और ब्राइटनेस कम कर देंगे। देखिए अगले सवाल की तरफ अपना रुझान बढ़ाएंगे और आपको एक बेहतरीन सवाल बताएंगे इस ट्रिक पर। आपने अभी तक इस तरह के सवाल शायद नहीं किए होंगे और आज आप इस तरह का सवाल सीख करके काफ़ी भाग्यशाली महसूस। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर इस तरीके से, 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए, PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गाँव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले करके अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सोचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, 7 का होल स्क्वायर, फिर बी देखिए, B-4 का होल स्क्वायर, सी देखिए, C-12 का होल स्क्वायर = 0। तो रूट में A+B+C का मान क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 16793। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए वही वाली ट्रिक हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू -7 आएगा क्योंकि प्लस में दिया है, बी का वैल्यू +4, सी का +12, उसी में रखिए भैया, रखिए तो -7 × 4 = 12, 12 में से 7 घट गया कितना है 5, और 5 में से 4 जोड़ लीजिए क्योंकि जोड़ का चिन्ह है प्लस है,
पाँच में चार जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, नौ, ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तीन। फ़ोन आ गया भैया, शोर मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो, फ़ोन करके शोर मत करो। नौ का वर्गमूल तीन हो गया, तो आंसर कौन हो गया, डी हो गया। तो क्या आपने ऐसा महसूस किया इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको ये चीज़ कितने आसान तरीके से आ जा रही है? बाकी यदि आप इस ट्रिक को नहीं जानते और नहीं यूज करते मेरा मेथड, तो आप इसको कितने टाइम में करते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना अनुभव जो इस वीडियो को देखने के बाद फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बेटा। धन्यवाद।